goes to Natu Natu. गायक अदनान सामी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला भारत पाकिस्तान का नहीं बल्कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर गीत नाटू नाटू का है। दरअसल एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने दुनिया भर में भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया है। एक तरफ तो गोल्डन ग्लोब मिलने के बाद फैंस खुश हैं, तो दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर राजनीति शुरू होने लगी है। राजामौली के अवार्ड हासिल करने के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री फिल्म की टीम को बधाई देते हुए सिर्फ अपनी भाषा और राज्य का नाम डाला। वहीं स्टेट के एक और मंत्री ने देश की बजाय भाषा पर गौरवान्वित महसूस किया। इस पर मशहूर सिंगर अदनान सामी ने रिएक्शन दिया और लिखा, वी आर इंडियंस फर्स्ट। अब इस पर फिर से राज्य के मंत्री ने पलटवार किया है। आंध्र प्रदेश के उद्योग, बुनियादी ढांचा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने अदनान सामी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि वे उनकी देशभक्ति पर फैसला सुनाने वाले कोई नहीं है। उन्होंने पलटवार कर लिखा, एट अदनान सामी लाइव, आप हमारी देशभक्ति पर फैसला सुनाने वाले कोई नहीं है। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पर गर्व है और मैं फिर से घोषणा करता हूँ, हम तेलुगु हैं। तेलुगु होने में मेरा गर्व एक भारतीय के रूप में मेरी पहचान से दूर नहीं होता है। बता दें कि 2016 में भारतीय नागरिक बने अदनान सामी ने मुख्यमंत्री के बधाई संदेश में आपत्ति जताई थी। दरअसल सिंगर द्वारा मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु ध्वज के लिए RRR पर एक पोस्ट किया जिसने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। CM रेड्डी ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, तेलुगु झंडा ऊंचा लहरा रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश की तरफ से मैं RRR की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, हमें आप पर बहुत गर्व है। इस पर जवाब देते हुए अदनान ने लिखा, हम सभी पहले भारतीय हैं, अलगाववाद का ये रवैया ठीक नहीं है। अदनान सामी ने जगन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, तेलुगु झंडा, आपका मतलब भारत का झंडा है, हम सभी पहले भारतीय हैं, इसलिए कृपया देश के बाकी हिस्सों से खुद को अलग करना बंद करें, हम एक देश हैं, ये अलगाववाद का रवैया ठीक नहीं है, जैसा कि हम 1947 में देख चुके हैं। टाइम्स नवनव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।